विकास की दौड़ में पीछे, साइबर क्राइम में अव्वल, मेवात के नूह का सच, हिंसा का साइबर कनेक्शन। इकतीस जुलाई को हरियाणा के नूह में भड़की हिंसा के दौरान जहां दो समुदाय आपस में टकरा रहे थे, वहीं उपद्रवियों की एक भीड़ ऐसी भी थी जो इलाके में दो साल पहले बने साइबर थाने में आग लगा रही थी। आगजनी से पहले थाने में घुसकर रिकॉर्ड्स को भी नुकसान पहुंचाया गया। वजह जलाभिषेक यात्रा या मोनू मानेसर का वायरल वीडियो नहीं, बल्कि इलाके में रहने वालों के खिलाफ दर्ज साइबर क्राइम के बेशुमार मामले हैं, जिन्हें मिटाकर नूह के साइबर अपराधी खुद को कानूनन बेदाग साबित करना चाहते हैं। दरअसल नूह समेत पूरा मेवात इलाका साइबर क्राइम का अड्डा बन चुका है। जिस तरह झारखंड के जामताड़ा में साइबर अपराधी लोगों के साथ ऑनलाइन ठगी करते रहे हैं, ऐसे ही नूह में भी साइबर क्रिमिनल्स की मजबूत पैठ है। यहां बैठे नौजवान देश के अलग अलग हिस्सों में रहने वालों को अपना शिकार बनाते हैं। पूरा इलाका साइबर क्राइम हब के तौर पर बदनाम हो चुका है। विकास में पीछे, साइबर क्राइम में आगे। नीति आयोग की रैंकिंग के मुताबिक नूह इंडिया का सबसे पिछड़ा हुआ जिला है। पहले इसका नाम मेवात था, जिसे हरियाणा सरकार ने बदलकर नूह कर दिया। एजुकेशन के मामले में भी ये जिला काफी पीछे है, मगर दसवीं पढ़े लोग भी यहाँ साइबर क्राइम का रैकेट चलाते हैं। हरियाणा पुलिस के मुताबिक नूह में बैठे साइबर क्रिमिनल्स कई तरीकों से मासूम लोगों को ठगते हैं। ये लोगों को वर्क फ्रॉम होम जॉब्स दिलाने के नाम पर, हनी ट्रैपिंग करके, सोशल मीडिया पर फेक प्रोफाइल बनाकर और OLX जैसे प्लेटफॉर्म पर सेल के फर्जी एडवर्टाइजमेंट चलाकर फंसाते हैं। साइबर क्राइम की जन्नत नूह। नूह मेवात रीजन का हिस्सा है, जो कि हरियाणा के अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश में भी फैला है। ये त्रिकोण साइबर अपराधियों के लिए काफी मदद करता है, क्योंकि एक राज्य से क्राइम करके दूसरे राज्य में भागना आसान होता है। नूह में घटना को अंजाम देकर ये लोग राजस्थान के भरतपुर या उत्तर प्रदेश के मथुरा भाग जाते हैं। इससे पुलिस के लिए उन्हें पकड़ना मुश्किल हो जाता है। दूसरे राज्य में एंट्री लेने के लिए पुलिस को उन राज्यों से परमिशन लेनी पड़ती है। पुलिस का एक्शन। 2023 की शुरुआत में हरियाणा पुलिस ने नूह में बड़ी कार्रवाई करते हुए साइबर क्राइम के बड़े रैकेट का पर्दाफाश किया था। पुलिस ने नूह के 14 गांवों के 320 ठिकानों पर करीब 5000 पुलिस कर्मियों की 102 टीमों के साथ छापे मारे थे। इसमें करीब 100 करोड़ के साइबर फ्रॉड और देश भर में लगभग 28000 केस का खुलासा हुआ था। रेड में 125 संदिग्ध हैकर्स हिरासत में लिए गए थे और 66 की पहचान करते हुए उनकी गिरफ्तारी की गई थी। इस दौरान पुलिस ने 166 नकली आधार कार्ड, 5 पैन कार्ड, 128 ATM कार्ड, 66 मोबाइल फोन, 99 सिम कार्ड, 5 POS मशीन, 3 लैपटॉप वगैरह बरामद किए थे। उसी वक्त पता चला था कि नूह से होने वाले साइबर क्राइम में 18 से 35 साल के उम्र के आरोपी शामिल हैं। तब से लेकर अब तक साइबर क्रिमिनल्स के खिलाफ हुई कार्रवाई में 2 लाख से ज्यादा सिम बंद किए जा चुके हैं। ये दंगा कुछ कहता है। आम तौर पर हमारे देश में जब भी दंगे होते हैं तो उसे सांप्रदायिक रंग देकर सियासत का खेल शुरू हो जाता है, मगर गौ तस्करी, अवैध खनन और सबसे बढ़कर साइबर क्राइम का गढ़ बन चुके नूह इलाके में भड़की हिंसा को सिर्फ सांप्रदायिक तनाव कहना सही नहीं होगा। जरूरत मामले की तह तक जाने की है, ताकि सही तस्वीर निकल कर सामने आ सके। आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, और खबरों के सटीक विश्लेषण के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। नमस्कार।